हूँ और मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और ये देखिए, और वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज हिना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शॉपाहोलिक हिना। जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि मैंने मेकअप जो है अभी, इसके पीछे का रीजन एक्चुअली ये है कि आज हम ट्राई करने वाले हैं सुनीसा फाउंडेशन, जो कि एक वाटरप्रूफ सीसी क्रीम है जिसके साथ हेड एक क्वेश्चन आता है। ये जो है आज हम ट्राई ऑन करने वाले हैं, उनके क्लेम के अकॉर्डिंगली देखेंगे क्या वो वर्क करता है या नहीं करता है मेरे स्किन पे। अभी जो आप देख रहे हैं ये मैंने उसको अप्लाई करने के बाद ये शूट किया है मेरा इंट्रो। सो अभी इसके बाद आप देखेंगे मैंने मेकअप नहीं लगाया, एक साइड मैं अप्लाई करूंगी सीसी क्रीम, एक साइड बिल्कुल ही मेकअप नहीं रहेगा। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा ये वर्क करेगा। इसके साथ हम वाटर टेस्ट भी करेंगे कि क्या ये जो मेकअप है या फिर जो ये सीसी क्रीम है उसमें जो दिखाया गया है वो सही है या नहीं है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं सुनीसा फाउंडेशन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ट्राई करूंगी ये सुनीसा का फाउंडेशन और अप्लाई करूंगी। सो मैं अभी अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कर चुकी हूँ। सो एक साइड जो है मैं ये सुनीसा अप्लाई करूंगी, इसका जो ब्लेंडर है यानी जो मशरूम है उसको मैंने वेट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये साइज में इतना बड़ा हो जाता है इसको जब आप वेट कर देते हैं, और ये जो इसका केस होता है उसके अंदर फिट भी नहीं। देखिए ये इसका केस है, इसमें काफी ये लूज आता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये कितना फिट है इसमें। तो इसका मतलब ये अच्छे से वेट हो चुका है और काफी ज्यादा कुशनी, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। देन हम बात कर लेते हैं इसकी, तो यहाँ पर इसे आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए थंब जो इम्प्रेशन जो मैं बता रही थी, इस पे आपको अंदर जब इसे प्रेस करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये प्रोडक्ट निकल आएगा, या आप यहाँ पे करेंगे तो है जो प्रोडक्ट आपको मिलता है। आप इसे अंदर इस तरीके से स्टैम्प करेंगे तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं जो है इसे अप्लाई कर लूंगी यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, और जैसा आपने अभी देखा है कि मैंने इसका अभी एक ही स्टैम्प लिया है, तो मैं एक साइड से करूंगी क्योंकि आपको इसमें डिफरेंस दिखेगा उस तरीके से। बल्कि शेड इसका एक ही आता है जो कि इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक, दिखा देती हूँ। ये शेड है जो कि मेरे कलर का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये एक बीबीसीसी क्रीम है, तो ये ऐसा इनका मानना है कि ये स्किन के साथ ब्लेंड हो जाता है अच्छे से। तो लेट मी ट्राई। देखिए इसकी कोई स्मेल तो ऐसी नहीं आ रही है सच की, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। सो एक चीज और क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो प्रोडक्ट है कैसे पता करें कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। सो देखिए मैंने एक चीज अभी देखी है जस्ट कि जो इसका पैक है सुनीसा, उसके अंदर इस तरीके का बार कोड और सुनीसा से आ रहा है। ये इस तरीके से प्री अज्यूम करे कि ये ऑथेंटिक मार्क है कि यहाँ पे, ताकि आप स्कैन कर इसका कन्फर्म कर सकते हैं, प्रूफ है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है। और जिस हिसाब से इसका यू नो इफेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है वो भी काफी अच्छा है। देखिए यहाँ पे मेरे मार्क है, कवरेज है तो यस, मैं ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रही, लेकिन इसे आप बिल्ड कर सकते हैं, इसका कवरेज बढ़ा सकते हैं एक और लेयर अप करके। तो अभी ये काफी अच्छे से, ये ब्लेंडर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इससे पहले मैंने अपना स्टोर का ब्लेंडर यूज किया हुआ है, काफी सॉफ्ट है और इजी टू अप्लाई है क्योंकि इस तरीके का होल्डर जो ये दिया हुआ। आगे मैं इसका वाटर टेस्ट भी करेंगे कि क्या ये के ऊपर से जो भी स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ है क्या ये है या नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कि ये जो है जहाँ मैंने सुनीसा बीबी फाउंडेशन सीसी जो भी है ये वाला एरिया है, और इस वाला ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है। तरीके से बहुत पतली सी होती है। ओके तो इसे आप रिमूव कर लेंगे तो आपको मिरर की क्वालिटी काफी अच्छी है। सभी चीज है सब इसी के साथ आपको मिलती है, चाहे ब्लेंडर है चाहे इसका केस है, हर एक चीज। तो ये है कि ये ट्रेवल फ्रेंडली आप कह सकते हैं प्रोडक्ट है। इसे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और मैं देखूंगी क्या ये एडजस्ट होता है टाइम के बाद कि नहीं। सो देखिए ये अभी वाटर है और मैं स्प्रे करूंगी और देखती हूँ कि ये रिमूव होता है या नहीं होता है प्रोडक्ट। सो लेट्स स्प्रे। So, देखिए बिल्कुल ऐसा है कि ये बिल्कुल भी ऐसे ड्रॉप नहीं हो रहा है, बिल्कुल आप क्लीन करेंगे तो क्लीन तो होगा, लेकिन जिस तरीके से आप, मैंने बहुत सारा वाटर स्प्रे किया आपके सामने और ये बिल्कुल भी नहीं बह रहा है जिस तरीके से बह जाता है, क्योंकि बीबीसीसी क्रीम होती है जो कि आप स्प्रे करें और इस तरीके से मेल्ट होने लगता है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है आपके सामने, ये बिल्कुल उसी तरीके से स्टिक हो रखा है वहीं पर जहां पर भी ये होना चाहिए। ये इस वियर टेस्ट में तो पास हो गया है कि ये काफी हद तक वाटरप्रूफ है। मैं अभी आपको टिश्यू लेके टेस्ट कर लेते हैं। तो ये है टिश्यू और मैं इस तरीके से कर रही हूँ,
और ये देखिए अगेन मैं अप्लाई कर लेती हूँ, कहीं से भी नहीं निकल रहा है, ये बिल्कुल आपके सामने है, ये शर्ट आपके सामने है, ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है, वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा डिसेंट रिजल्ट देता है। इवन अभी भी मेरे स्किन पर आप देख सकते हैं, ये तो काफी ज्यादा अच्छा लगा है। इन्होंने जो भी क्लेम किए कुछ बिल्कुल 100% आप कह सकते हैं कि ये अच्छा रिजल्ट आपके स्किन पर, ये तो काफी ज्यादा पसंद आया। ये सुनिसा फाउंडेशन देख सकते हैं, ये है पूरा ओवरऑल लुक और कुछ इस तरीके से ये अभी दिखाई दे रहा है। रही बात इसके लॉन्ग वियर टेस्ट की, तो देखिये ये बिल्कुल जैसा रहता है बिल्कुल हल्का फुल्का ही फर्क पड़ता है। तो अगर तो ये बहुत डार्क साइड है सूट नहीं करेगा, और अगर आपकी स्किन थोड़ी मीडियम टोन में फेयर टोन के साइड पर जाती है तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट लेयर है वो आपको सूट करेगा, एंड देन जो है आप उसके ऊपर जो ब्लशर लगाएंगे, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, इसमें कॉन्टोर ब्रॉन्जिंग कर लेंगे, तो ये अच्छा मिस एंड मैच हो जाएगा। अभी ऑकवर्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी मैंने कुछ नहीं किया ब्रॉन्जिंग वगैरह, ये सब सिर्फ मुझे आपको दिखाना था, मेरा पर्पज यही था। हो सका तो मैं इसका लॉन्ग टर्म का जरूर बताऊंगी कि मैं बाहर जाऊंगी किस तरीके से ये काम करता है, क्या क्या इसके इशू है, क्या क्या इसके गुड पॉइंट है, वो सारी चीजें कभी और वीडियो में दिखाई। इस वीडियो में यही था वियर टेस्ट और अप्लाई करके दिखाना कि किस तरीके से ये मेरे स्किन पर जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करके जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।